अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर में डिश टीवी का सेटअप बॉक्स इस्तेमाल करते हैं और खास तौर पर डिश ट्रू एचडी प्लस का सेटअप बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो मैं आप सभी के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी में से ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जो कि पैरेंटल लॉक का सिस्टम नहीं समझते हैं कि उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फीचर था वो आपको मैंने डिश के एनएक्सटी एचडी बॉक्स में तो दिखा दिया था, लेकिन आपको मैंने इसे डिश ट्रू एचडी प्लस के सेटअप बॉक्स में नहीं दिखाया है। तो मैंने कहा चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से इसकी सेटिंग रहती है, किस तरह से हम अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, किस तरह से अपने पासवर्ड को लगा भी सकते हैं और कौन कौन से चैनल्स को हम ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि जिनके घर में बच्चे हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब समय पढ़ाई का हो जाता है तो हमें चैनल्स को ब्लॉक करना काफी अनिवार्य हो जाता है, जो कि खासतौर पर बच्चों के चैनल रहते हैं। तो ऐसे वक्त में पैरेंटल लॉक जो फीचर है वो हमारे लिए बेहद काम आ जाता है। तो इस फीचर को किस तरह से डिश टीवी के ट्रू एचडी बॉक्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए टीवी स्क्रीन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों हम टीवी स्क्रीन की ओर आ चुके हैं और आपको मैं इस सेटअप बॉक्स यानी डिश ट्रू के एचडी प्लस सेटअप बॉक्स में दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से पैरेंटल लॉक फीचर का इस्तेमाल किया जाता है और आपको किस तरह से इस फीचर का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है माई डिश टीवी पर, और माई डिश टीवी पर आने के बाद आपको नीचे डाउन एरो से नजर आएगा पैरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन, और पैरेंटल कंट्रोल पर आपको रिमोट से ओके प्रेस कर देना है। तो ओके प्रेस करते ही आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ब्लॉक चैनल्स और दूसरा ऑप्शन है चेंज पिन। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ब्लॉक चैनल्स उसको पहले देख लेते हैं। तो उस पर आप रिमोट से ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करते ही यहां पर आपको 4 डिजिट का जो पिन है उसे एक्सेस करने के लिए डालना होगा। तो यहां जो पिन रहेगा वो रहेगा 1, 2, 3 और 4। तो जैसे इसको करेंगे तो उसके बाद आपको रिमोट से ओके प्रेस कर देना है। तो ओके प्रेस करते ही यहां पर पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने चैनल्स की ओपन हो जाएगी जिसे आप ब्लॉक और अनब्लॉक करना चाहते हैं। अब यहां पर जितने भी चैनल्स की लिस्ट आपको शो हो रही है उसमें अलाउ शो हो रहा है, और अलाउ मतलब है कि चैनल अभी कोई भी ब्लॉक नहीं है। लेकिन इसमें से अगर किसी चैनल को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वह किस तरह से करेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूं। तो देखिए आपको सबसे पहला नजर आ रहा है बी फॉर यू कड़क। तो बी फॉर यू कड़क को अगर आपने ब्लॉक करना है तो आपको राइट एरो से रिमोट से राइट एरो से आपको करना है और ये ब्लॉक हो गया। देखिए अलाउ से वहां पर ब्लॉक लिखा आ गया है क्योंकि आपने राइट एरो से जैसे किया तो ब्लॉक हो गया, और वापस एक बार फिर से राइट एरो करेंगे तो वो अलाउ हो जाएगा, यानी इसको आपने ब्लॉक नहीं करना है। और यदि आपने एक बार फिर से ब्लॉक करना है तो वापस से राइट एरो कीजिए और ये ब्लॉक हो गया। तो इसके बाद आपको रिमोट से ओके को प्रेस कर देना है। तो जैसे आप रिमोट से ओके प्रेस कर देंगे तो वो जो चैनल है वो आपका ब्लॉक हो चुका होगा। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूं। तो देखिए बी फॉर यू कड़क पर जैसे हम आए तो यहां पर जो है वो हमें शो कर रहा है कि ये जो चैनल है वो आपका ब्लॉक हो रखा है। तो इससे आपको देखने के लिए 4 डिजिट का जो पिन है उसका कोड डालना होगा और उस पर ओके को एंटर करना होगा। तो यहां पर आपको वही कोड डाल देना है जो कि आपने रखा था 1, 2, 3 और 4, और इस पर आपको रिमोट से ओके प्रेस कर देना है। तो ओके प्रेस करते ही चैनल जो है वो आपके लिए अलाउ हो गया और वो अनलॉक हो गया है, तो आप आसानी से उस चैनल को देख सकते हैं। तो ये जो फीचर है खास तौर पर बच्चों के लिए काम आता है जब उनके पेपर जो है वो नजदीक होते हैं और उस वक्त अगर हमने कोई भी चैनल ब्लॉक करना है उनके लिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इस पिन को चेंज भी कर सकते हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहां पर आना है माई डिश टीवी पर और एक बार फिर से पैरेंटल कंट्रोल पर आना है। चेंज पिन पर जो है आपको रिमोट से ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करते ही यहां पर आपको एक बार फिर से वही पिन एंटर करना है जो कि डिश टीवी का डिफॉल्ट है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 जो कि आपको मैंने बताया है, उसको आपको कर देना है 1, 2 और 3 और 4। इसके बाद रिमोट से ओके प्रेस कर दीजिए। तो ओके प्रेस करने के साथ ही ये आपको कह रहा है कि अगर आपने अपनी इच्छा से कोई भी पिन रखना है तो अपनी इच्छा से रख सकते हैं। टू सेट योर पिन एंटर अ 4 डिजिट नंबर, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर 0000 रख देता हूं, ये मेरा अपना मनपसंद कोड है, और इसे हमारे मोड से ओके प्रेस कर देता हूं। तो एक बार फिर से आपको वही एंटर कर देना है 0000। ये मैं अपने तरीके से आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से पिन को चेंज करना है। आप अपनी इच्छा से कोई भी पिन रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको 00 ही रखना है, कोई भी इच्छा से कोई भी रख सकते हैं जो कि आपको नंबर याद रहे। बाद में आपको दिक्कत हो सकती है तो कृपया करके वही नंबर रखिएगा जो आपको याद रहे, या फिर 1, 2, 3, 4 सबसे इजिएस्ट है, या फिर 00 सबसे इजिएस्ट है। इसमें कोई भी अगर बदलाव करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो रिमोट से ओके प्रेस कर दीजिए। तो देखिए पिन जो है हमारा चेंज हो चुका है और आप आसानी से इस तरह से सेटिंग को चेंज कर सकते हैं।